बाद हमारा जूस बन के तैयार हो चुका है उस दिन की तरह। लीची का प्योर जूस कसम से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली में, और दिल्ली पहुंचने के बाद यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है कि मैं ना सच में गांव की ठंड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हम लोग, मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। और आज मैं बना रही हूँ पहाड़ी दाल। तो मैं ना गाँव से राजमा लेके आई थी, वैसे मतलब हमारे तो नहीं है गाँव में, लेकिन मैं खरीद के लेके आई थी। गुमखान अगर आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहीं से मैं एक दो दालें लेके आई थी खरीद के, क्योंकि हमारे गांव में तो मतलब खेती है, बट इस बार हुआ नहीं था इतना कुछ, दाल वगैरह तो ये चीज़ें कमी होती है, तो इस वजह से मैं ना खरीद के लेके आई थी। मेरा बहुत मन कर रहा था गांव की दाल खाने का, तो अभी मैंने रखे हैं राजमा। चलो पहले मैं उनको उबालूँगी, फिर खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है, और आप वीडियो में बने रहिएगा। और एक बात और दोस्तों, मैं सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ना बहुत 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 धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरी पिछली जो भी गांव के जो मैंने ब्लॉग डाले थे उन ब्लॉग को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गांव में। और अब मैं दिल्ली आ चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोगों को मतलब गांव का ही देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग मुझे यहाँ पर भी उतना ही सपोर्ट करोगे जितना आप लोगों ने गाँव में किया था, जितना प्यार आपने गाँव की वीडियो को दिया था उतना ही प्यार आप लोग यहाँ पर भी दोगे। बाकी रही बात गाँव जाने की, तो गाँव तो हम लोग मतलब आते जाते रहते हैं ना, जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी इनकी छुट्टी वगैरह होती है या कुछ भी चीज़ होता है तो हम लोग चले जाते हैं गांव में। तो अब देखते हैं 2-3 महीने बाद शायद दोबारा हमें गांव जाना पड़े। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोग मेरे सारे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, गांव के भी, शहर के भी, जहाँ जहाँ मेरी जैसे भी मेरी लाइफ स्टाइल होगी वो सब लोग सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग सपोर्ट करोगे यहाँ पर भी। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने कुछ ही ऑनलाइन सामान ऑर्डर किया था, क्योंकि बाहर गर्मी में जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और हम लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन ही ऑर्डर कर दिया। और ये इन्होंने किया है, मेरे सारे पति देव ने किया है, इनका पेपर है, ये तेल का डिब्बा। तो दोस्तों तेल भी आजकल इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया, तेल खाने का भी मन नहीं करता। मैं तो कल तो पानी में बनाऊँगी खाना के लिए, इतना महंगा हो गया। और ये इनका सरबत है, ये सारा इन्होंने मंगाया, मैंने कुछ नहीं मंगाया, ये बिस्किट वगैरह लेके आए। अच्छा ये कपड़े धोने के काम में ना सोच रही है, अरे मेरे पति देव ना बहुत छोटे बच्चे की तरह रह सकते हैं, कुरकुरे बिस्किट ये सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चे खाते ना वैसे ही। तो कोई आता उसके लिए नमकीन वगैरह चाय के लिए खाता नहीं, खाता कौन आ गया गर्मी में हमारे घर में तो या बाहर में निकल गए रात के लिए कोई आएगा, तो मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं किसके लिए मंगाई? आपके लिए। मैं नहीं खाती, नहीं कि मुझे सच्ची पसंद है, हम खा लेंगे जो भी खा लेगा, आप लोगों के लिए बना लेंगे, मेरे को पसंद नहीं आते भी। इनको रख देते ना पहले, हम तो रख देते इनको। और फ्रीज में हमारा लोड हो रहा है, कल ही हमने सब्जी वगैरह भी ली थी, कल ली थी या परसों ली थी हमने। एक चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए हम लोग ना ये गाँव से ना और जो दूध लेके आए, ये संतरे का दूध है, मतलब माल्टे का दूध है, और ये लीची का दूध है, जो कि मेरे हस्बैंड ने 2-3 दिनों में साफ कर दिए है। देखिए सारा इन्होंने क्या इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक दिन में 10 बार बना के पी रहे हैं तो ख़त्म हो गए सारे दूध। और पता नहीं आपको लग रहे हैं पूरे ओरिजिनल होंगे, मतलब प्योर होगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं ओरिजिनल भी है, नहीं ओरिजिनल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें केमिकल तो मिलाएंगे ना, काफ़ी लंबे टाइम तक चले, बट बहुत टेस्टी हो रहा है। ये भी हमने खरीदे हैं, क्या करें हमारे गाँव में कोई बनाते ही नहीं, मार्केट हमारे बहुत होते हैं लेकिन दूध से बनाता है, बनाना चाहिए वैसे। इस बार अगर हम ठंडियों में गाँव जाएंगे तो मैं सोच रही हूँ बनाना, मार्केट का दूध बना के लेके आएंगे, अगर बंदरों ने रखे तो। क्या बना रही हो? राजमा। कौन सा वाला राजमा? गांव के राजमा, तो पास तो खरीद के नहीं लेके आए थे। कहाँ से? वो तुम खाल दे? आप इन्हें तो बोला राजमा बना, मैंने थोड़े से ना यहाँ वाले भी मिक्स कर दिए इसमें, और थोड़े से घर के बहुत टेस्टी होते हैं, दोनों वैसे मिक्स करके बनाओ ना, पहले दिन को उबाल लेंगे फिर बनाएंगे खाना आराम से, क्योंकि अभी थोड़ा पहले ही नाश्ता किया। दोस्तों गांव जैसी खूबसूरती तो यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, हम भी क्या कर सकते हैं, हम भी मजबूर हैं क्योंकि यहाँ पे भी रहना जरूरी है गांव में भी, तो यहाँ पे तो अभी वैसे भी गर्मी हो रही है, बाहर आर भी जाना कम ही होगा, और ऊपर से मैं फिर अकेले रहती हूँ घर पे, और क्योंकि हस्बैंड वगैरह सब चले जाते हैं ऑफिस, सब चले जाते हैं, तो मैं अकेले रहती हूँ, तो जो भी मुझसे हो पाएगा घर के अंदर ही अंदर वही ब्लॉग में शूट करके अपलोड कर सकती हूँ, और उसमें भी मेहनत
टाइम भी नहीं मिल पाता है। हाँ, फिर बाहर जाने का टाइम होगा भी नहीं, गर्मी में कौन जाएगा। फिर गांव के तो मतलब अलग ही होता है सब माहौल, देखने में मतलब बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे तो बाहर भी जाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता जितना तेल क्यों लगा रहे हैं वो पे। पीछे क्या टाक रखे, ऊपर नहीं टाक पाए, ऊपर नहीं टाक रहे तो सूख रखे ना, मैंने थोड़ी धूप दिखा देती हूँ आजकल इतनी इतनी धूप पड़ रही है। ये शर्मा क्यों रहा है, दाल वाल जब तक उबलती है, जब तक खाना वगैरह बनता है, तब तक हम बनाएंगे बेल का जूस। हालांकि मुझे तो बनाना भी नहीं आता, फर्स्ट टाइम ही बनाएंगे, है ना। आपने बनाया इससे पहले कभी? नहीं, देखा तो है ना, मतलब मेरे को ज्यादा अच्छे से पता नहीं है। कह रहे हो बेल वाले को, उनका तो तरीका ही अलग होता है ना, अलग ही ट्रिक होती है उनकी हर चीज बनाने की। तो अभी देखते कैसा बनता है हमारा बेल का जूस। बेल का जूस, बेल ना इसका हथौड़े से तोड़ देंगे। ये मेरे को तो अच्छे से पता भी नहीं कैसे करना है, मैं ऐसे ही देख रहा। खराब तो नहीं है ये? कैसे पता कि खराब है, दिखाना। नहीं, खराब नहीं होगा यार, मेरे को लग रहा है ये खराब है कसम से। नहीं, खराब नहीं, ऐसे ही होता है पागल। ये देखो इसके अंदर वो एक आई सी जमी हुई है, दूसरा निकालो तो देखते हैं दूसरे में खराब होगा तो फिर बोले। गलत हो गया ना, खराब इफेक्ट हो गया। खराब ही लग रहा है, उसमें काई सी जमी हुई लग रही है, नहीं लग रहा आपको? क्योंकि इसका देखो और उसको देखो कैसा है, बिल्कुल ही चेंज लग रहा है। दोस्तों अगर आपके पास मैशर ना हो तो इस तरह की ट्रिक लगा सकते हो आप भी, या गिलास से गिलास से पिचका पिचका के। सही सही में आलू वालू के पराठे बनाते ना कभी, मैं भी ऐसे कर लेती हूँ उस टाइम पे। मैं तो था हमारा, पर आपने तोड़ दिया ना। तो वैसे जो हल्के फुल्के चीजें जो तोड़ती रहती है, देखो हमको लेना यहाँ पे। आपको मैंने एसी ले दिया गिलास, आप ताकत सही से लगाओगे ना, मैं पिचकाती तो पिचकता ही नहीं। फाइनली गाइस 2 घंटे के बाद हमारा जूस बनके तैयार हो चुका है, और देखिए तब से मैंने खाना वाला भी बना लिया है, और तब से इनका जूस ही तैयार नहीं हो पाया, अब जाके तैयार हुआ है। बहुत मेहनत लगी इसका, ज़्यादा मिलेगा आज, आप ज़्यादा पी लेना ठीक है, 2 ग्लास पी लेना। ये लो भाई, जितना बचा है ना ये आप पी लेना ठीक है, आपकी प्यारी सी काजल। कोई काजल तुझे याद कर रहा था परसों के ब्लॉग में, कोई था किसी ने लिखा था काजल को मिस कर रहे, हाय ब्यूटीफुल काजल, काजल के लिए वैसे लड़का ढूंढना है ना, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, बस लिपस्टिक मेकअप करके मैं तैयार होना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ करना चाहती हूँ, जिंदगी में कुछ नहीं बचा, मेकअप का बाद में मेरा सहारा है, मेकअप मेरा सहारा है, और मेरा बस दोनों दोनों गए थे वहाँ पे घूमने। हाँ, और कौन जाएगा मेरे को लेकर, फिर जाते हमारे से आगे वहाँ 10 कदम आगे उस दिन की तरह लड़कों का फैक्ट्री ये कुछ ज्यादा मेरे पापा भी ऐसे पूरा आगे चले जाते मैं बोल रहा हूँ आरती, मेरी बात नहीं, बच्चे थोड़े ही नहीं जो घूम जाएंगे, दिल्ली में कोई खोया है, है? कौन जाते हैं भाई, जब साथ में जाते हैं, नंबर आपके पास, मोबाइल नंबर आपके पास, फोन आपके पास, लड़की जाती है मेरे लेके ना ले लिया तो, लड़की जाती है मेरे पति मेरे को हाथ पकड़ के ले जाए, फोकस फोकस में,
लड़की चाहती है कि उसका पति उसकी केयर करे, उसका हाथ पकड़े, और क्या चाहती है लड़की, और क्या क्या मांगती है। सुन लो दोस्तों, काजल के लिए कोई ऐसा लड़का मिल जाए तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मेरे पति देवता आगे आगे भागते। सच्ची में ऐसे ही लड़के अच्छे होते जो वाइफ को केयर करते हैं। वैसे मैं काजल योगी गई हूं, ये इनडायरेक्टली जिया जी की बेइज्जती है, तू बोलते डर के मुंह पे जीजू तो मुद्दे है। काजल कह रही है जीजू काजल लेगा, जीजू काजल, जीजू कह रही है जीजू पता क्यों आगे रहते हैं, उन्होंने बोला साली भी लंबा खर्चा आएगा इसलिए आगे तो खर्चा उन्होंने नहीं किया था, ऑनलाइन भी आती है वाल मिठाई यहाँ पे भी होगा उनका कुछ ना कुछ। अभी बताओ पार्टी दे रही हो कि नहीं, सैलरी आ गई अभी हमें हमारे मेहमानों की खातिरदारी हो रही है पिज्जा पार्टी के साथ। कैसा लग रहा है? काफी टाइम बाद पिज्जा खाया जा रहा है। मत खाओ बाहर का, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खा रही, तुम लोग खाओ। मैं प्योर जूस है, लीची का प्योर जूस, कसम से प्योर है। अरे केमिकल है पर इसमें ज्यादा वो नहीं है, गांव का ये पूरा प्योर जूस है, पियो आप भी अपना। देखो मेरे पति ये सब खा के तो मोटे बने, ये सब खा के पेट निकल रहा है उनका, देखो देख रहे हो पेट, ये सब बाहर का खा के निकल रहा है पेट। तो दोस्तों अभी हमारे मेहमान लोग भी जाने वाले हैं और मैं इनको कह रही हूँ कि आज यही रुक जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मान रहे। 7 बज गए, आज मैं आना ठीक है, मैं 9 बजे तक घर पहुँचूंगी। तो क्या हो गया, आज मैं कह रही हूँ यही रुक जाओ, बट रुकी नहीं रहे, मेरे मुन्नी को मैं 8 बजे तक पहुँचा। अगली बार आना जब भी मतलब तुम्हारा टाइम हो, मैं तो फ्री रहती हूँ, लेकिन तुम लोग आ जाओ। बाय तो करते हो, बाय। को तो लोग बहुत याद करते हैं, आज से नियर को भी करेंगे। बाय देना, दो घंटे लगाएंगे जूते पहनने में। टाटा बाय, मेरी लड़की की बात करें। बाय टाटा बाय, चले जाओगे कि मैं छोड़ने आऊं? नहीं नहीं हम चले जाएंगे, यहाँ पे तो मिलेगा। सुनो सुनो सुन तो लो, यहाँ से जाओगे? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो मास्क वाला। हाँ मास्क तो यही मिल जाएगा, टाटा। चले गए दोस्तों हमारे मेहमान, अब मुझे याद आएगी उनकी। तो अभी हमारे मेहमान भी चले गए हैं, हमारे मेहमान ना अचानक से आए थे, इन लोगों ने मुझे मॉर्निंग से कुछ भी नहीं बताया था, तो मतलब शाम को हम लोग सो गए थे, फिर उन्होंने कॉल किया कि दीदी हम लोग आ रहे हैं और मिल के चले जाएंगे 1-2 घंटे, अभी रहे अभी वो चले गए हैं। तो उसी के साथ हम आज के इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।